नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले एसएससी जूनियर इंजीनियर पेपर वन, जिसका एग्जाम 14 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच होने, इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों एक सावधानी आपको बरतनी है, अगर आप ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो ब्लॉक हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एसएससी ने अपने इंस्ट्रक्शन में भी लिख रखा है कि अगर आप जो है एडमिट कार्ड को मल्टीपल पार्ट जो है डाउनलोड करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इसका जो है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के तीन माध्यम है। पहला माध्यम है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है इसको डाल के सर्च कर दीजिए और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। मैं अभी आपको लाइव जो है चेक करके दिखाऊंगा, उससे पहले आपको बता दूं। दूसरा ऑप्शन है कि आपको अगर आपका रोल नंबर पता हो तो अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो कैप्चा है उसको डाल के आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आपको कुछ नहीं पता, आपको जो है रजिस्ट्रेशन आईडी भी नहीं पता, आपको आपका रोल नंबर भी नहीं पता, तो यहाँ पे ये है कि आपको अपने नाम के चार लेटर लिखने होंगे। जैसे मेरा नाम है सुरेश, तो यहाँ पे SURE लिखना पड़ेगा। मेरे पिता का नाम है राम कुमार, तो RAM लिखना है और स्पेस लिख देना। अगर मेरे पिता का नाम रमेश होता तो RAM ही लिख देते। अगर आपके पिता का नाम स्टार्टिंग में 3 लेटर है तो आपको 3 लेटर लिखने को स्पेस वाला बटन यूज करना है। नेक्स्ट आपको अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है इस कैप्चा को डाल देना है। जैसे यहाँ पे वैलिडेट होगा, आपको जो सर्च वाला बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये स्टेटस जो है डाउनलोड होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपका नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, आपको आपकी परीक्षा की तिथि मिल जाएगी, आपका एग्जाम जो है किस एग्जाम आपका किस शिफ्ट में है ये मिल जाएगा, एग्जाम का टाइमिंग क्या है, एग्जाम का शहर कौन सा है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको भी पता चल जाएगा कि अगर आपका एग्जाम 14 तारीख को है तो आपका एग्जाम का जो है एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले, मान लीजिए आपका एग्जाम 14 को है तो 10 तारीख को एडमिट कार्ड निकलेगा, 15 को होगा तो 11 तारीख को निकलेगा, 16 को होगा तो 12 तारीख निकलेगा, इस तरीके से एडमिट कार्ड निकलेगा। लेकिन एडमिट कार्ड निकालते हैं, फिर उस चीज को मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड निकालते आपको ध्यान रखना है, जबकि जब एडमिट कार्ड आता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चेक अनदर कैंडिडेट, ये भी ठीक इसी के बगल में डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है और तुरंत उस एडमिट कार्ड को सेव कर लेना। अगर आपने मल्टीपल 3 बार 4 बार अगर इसे लगातार अटेम्प्ट करेंगे तो एसएससी आपके एडमिट कार्ड को ब्लॉक कर देगा, तो उन केस में आप जो एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड को एक ही बार में जो है अगर आपने अपना देख लिया एडमिट कार्ड आपका आ चुका है तो अगर आपका प्रिंटर नहीं है तो आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाइए और वहां से अपना एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट निकाल लीजिए। साथ ही साथ इस एडमिट कार्ड को अपने व्हाट्सएप पे और ईमेल आईडी पे जरूर रखिए। और साथ ही साथ बता दें, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको एसएससी जूनियर इंजीनियर के फ्रेंड्स हो तो उसके साथ भी इस वीडियो टैग कीजिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।